दिल्ली शहर की मासूमियत उन छोटे मोहल्लों में नजर आती है जहां आज भी लोग खुलकर जीना जानते हैं, बिना किसी तकल्लुफ के मिलते हैं, जहां बच्चे अकेले बिना किसी की उंगली थामे स्कूल जाते हैं और बिना किसी डर के सड़कों पर खेलते हैं। लेकिन आज ऐसे ही एक मोहल्ले में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इस मोहल्ले की तस्वीर ही बदल दी। समीर, हम लोग सत्यनारायण जी की कथा में जा रहे हैं शर्मा जी के यहाँ। तुम एक काम करो, आज राहुल को ट्यूशन से तुम लेके आओ, 12 बजे पहुंच जाना। अरे पहुंच जाओगे ना? हाँ भैया ले आऊंगा, टेंशन मत लो आप। अगर गोपाल छुट्टी पर नहीं गया होता तो ये काम हम तुम्हें बोलते ही नहीं। भाभी बोल तो दिया ले आऊंगा, अब लिख के दूं क्या? चलो। और हाँ समीर, मेहरबानी करके दिन में दारू मत पीना। भैया दारू छोड़ दी है मैंने। हेलो भैया, भाभी निकल गया, मैं आता हूँ। राहुल तू घर पे नहीं गया? नहीं, मेरे चाचू लेने आने वाले थे, लगता है नहीं आए। राहुल तो क्या हो गया, तू हमारे साथ चल। हाँ नहीं हाँ। मैं इधर ही वेट करता हूँ, शायद आ रहे हो। अच्छा ठीक है, चल बाय बाय। अंकल एक प्लेट गोलगप्पे देना। अंकल टाइम क्या हुआ? 12:15। लगता है ये चाचू भी भूल गए। कोई नहीं, मैं खुद ही घर चला जाता हूँ। समीर गया होगा ना राहुल को ट्यूशन से लेने के लिए? बिल्कुल गया होगा, जब एक बार उससे कह दिया तो जाएगा नहीं, इतना बुरा नहीं है वो। पता है कैसा है समीर? ये कौन फोन कर रहा है बार बार, देखना जरा संगीता कौन है। हेलो, वो एक्चुअली पीयूष काड़ी। क्या राहुल? राहुल कहाँ पर है? क्या हुआ राहुल? गाड़ी साइड में ले राहुल। कहाँ है राहुल? प्लीज हम बात करो, गाड़ी साइड में लगाओ ना। हेलो कौन बोल रहा है? राहुल मेरे पास है, अगर वापस चाहिए तो 15 लाख रुपए लगेंगे। क्या? और पैसा कहाँ लाना है मैं फोन करके बताऊंगा। हेलो 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 कौन बोल रहा है? हेलो किसका फोन है? राहुल कहाँ है? राहुल कहाँ है? तुम शांत रहो। राहुल घर नहीं पहुंचा, इसका मतलब समीर लेने नहीं गया राहुल को। घर पहुंचो पहले। पता नहीं कैसा होगा मेरा राहुल। रो मत संगीता, राहुल मिल जाएगा। पीयूष भाईजान गए हैं ना पुलिस के पास, देखना वो राहुल को लेकर ही आएंगे। कहाँ गए? कुछ भी नहीं पता चला। किसने किया था हमें कॉल? उसने दोबारा फोन नहीं किया। लेकिन वो, और मैं उसका नंबर पुलिस स्टेशन में देकर आ रहा हूँ। वो हमें दोबारा कॉल करने वाला था, उसने कॉल क्यों नहीं किया? उसने फोन नहीं किया ये मैं कैसे बता सकता हूँ? पुलिस यहाँ क्या करे? आप लोग राहुल को ढूंढिए, यहाँ पर आप क्यों क्या कर रहे हैं? मैम प्लीज शांत हो जाइए, राहुल की तलाश ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, उसकी फोटो भी सर्कुलेट की है और जगह जगह नाकाबंदी भी जारी है। मैम राहुल के सिलसिले में ही हम आपके मोहल्ले में इंक्वायरी कर रहे हैं।
बेटा राहुल आपके साथ ट्यूशन पढ़ता है? हाँ अंकल। मतलब वो आज आपके साथ नहीं आया? मैंने उसे कहा था कि घर चल, पर उसने कहा नहीं मेरे चाचा आ रहे हैं, मैं वेट करता हूँ। तभी मैं घर पे आ गया। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने भी राहुल को ट्यूशन पढ़ने के बाद देखा है? साहब, यहाँ पे खड़े होकर टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है? और आपको क्या लगता है ये जो किडनैपर है हमारे बीच में खड़ा है और आपके सवालों का जवाब देगा वो? देखिए मेरी बात समझिए। हाँ सही बात है, हमसे सवाल करके आपको क्या मिलने वाला है? देखिए मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ राहुल की भलाई के लिए कर रहा हूँ, इसीलिए आप लोग उसे इंक्वायरी करनी पड़ रही है। तब तक राहुल को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार कौन रहेगा? यही तो काम है इनका, दिखावा करते रहना और आए दिन बच्चे गायब होते रहे। अच्छा, आप किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी बिजनेस में या मोहल्ले में, ये किसी पर कोई शक जो आपसे बदला लेने के लिए राहुल को किडनैप कर सकता है? नहीं सर, ना ही मेरी किसी से कोई दुश्मनी है और ना ही किसी से कोई झगड़ा है। सर यहाँ हम मोहल्ले में सभी लोग एक परिवार की तरह रहते हैं, यहाँ मुझे किसी पे कोई शक नहीं। लेकिन मुझे शक है, मुझे समीर पर शक है। क्या बकवास कर रहे, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? मुझे पूरा यकीन कि समीर की वजह से ही हमारा बेटा राहुल किडनैप हुआ है। ये समीर कौन है? मेरा देवर। आज राहुल को ट्यूशन से लेकर आने की जिम्मेदारी हमने उसे ही दी थी, लेकिन अब उसे कभी भी कोई काम बताओ कुछ नहीं करता है। सिर्फ शराब पीना, अय्याशी करना और अपने भाई की इज्जत को मिट्टी में मिलाना, यही काम है उसका। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी पीयूष हमेशा उसकी तरफदारी करते रहते हैं। थैंक यू। अब तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों लाल पीली हो रही गुस्से से? मुझे क्या परेशानी हो सकती है? मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है तुम्हारा भाई समीर। आज मैंने उसे कहा कि राहुल का होमवर्क करवा दे, लेकिन नहीं, उन्हें तो कोई काम ही नहीं करना है। दिन भर सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ मैच देखा, और मुझे पूरा यकीन है कि उसने गोपाल से शराब मंगवाई और घर में बैठकर पी। और जब मैंने उसे बात करने की कोशिश की तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरे भाई का पैसा है, तुम्हें क्या पड़ी है? और इतनी सी बात में आप गुस्सा हो गए हैं? अरे वो बच्चा है, ना समझ है सही गलत की, उसको पहचान नहीं है अभी। मजाक मस्ती में तुमसे कुछ कह दिया होगा, भाभी हो तुम उसकी। 25 साल का बच्चा है ना? संगीता मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, और ये सब बातें करने का ये वक्त नहीं है। एक नहीं 10 बार कहा था उसे कि ठीक 12 बजे राहुल को ट्यूशन से लेने के लिए पहुंच जाना, लेकिन फिर भी जब पीयूष ने 12:15 बजे उसे कॉल किया तो वो रास्ते में था, पहुंचा नहीं था। मुझे पूरा यकीन है ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया है। ये समीर कहाँ है? यही हूँ मैं। भाभी आपको दिक्कत है मुझसे, मुझे पता है, लेकिन आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं अपने राहुल को किडनैप करूंगा? तुम अपने भाई से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हो। चलो संगीता मैं चलता हूँ, देख लेना, ध्यान करना। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग, कैसा है? क्या बात है, आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो। भैया ये कलर आप पे ना बहुत सूट करता है। अच्छा ज्यादा घूम मत, ये बता काम क्या है। वो भैया एक 3,000 रुपए दो ना। वो एक रेस्ट वॉच देखी थी, बहुत सही है भैया, वो लेनी है। अच्छा हुआ पिताजी का बिजनेस तूने नहीं संभाला, वरना 3,000 की घड़ी के लिए 4,000 रुपए का मक्खन लगा चुका है तू अभी तक। पैसे चाहिए थे तो सीधे मांगना बेटा। संगीता तुम इसे पैसे दे देना, मैं लेट हो रही हूं। चलो बाय। ऐसे समीर ये क्या है, पैसे वापस करो। अरे क्या भाभी, क्यों चैचा करती रहती हो? कल समझाया था ना आपको, मेरे भाई का पैसा है, जितना मर्जी लो। आप कोई नहीं होती रोकने वाली। समीर! पीयूष! अलाइक, आज अगर गाड़ी की चाबी नहीं भूला होता ना तो तेरा असली चेहरा देखने से बाकी रह जाता मैं। तेरी भाभी ने मुझे हर बार समझाया समीर ऐसा है समीर वैसा है, मुझसे शिकायत करती रही, मैं इसको समझाता रहा कि नहीं वो बच्चा है वो मान जाएगा, ये सिला दिया तूने। भैया आप गलत। मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ, और आज के बाद तू एक बात कान खोल के समझ ले, मुझसे 1 रुपए की भी उम्मीद मत करना। जानती हो बाबूजी गुजरने से पहले बोल के गए थे कि इसका ध्यान रखना, मैंने जरूरत से ज्यादा ध्यान रखा, एक भाई की तरह नहीं एक बाप की तरह पाला तुझे। एक बात ध्यान रख ले, 1 महीना है तेरे पास, सिर्फ 1 महीना, या तो 1 महीने में ऑफिस ज्वाइन कर, तनखा लेके काम कर, नहीं तो कोई और काम ढूंढ, और अगर दोनों काम नहीं होते तो घर से बाहर निकल जा। चलो यहां से जाओ। अरे आस्तीन के साहब मैंने घर में ही पाल रखे हैं, तुम ये रखो। तुम शांत जाओ पीयूष, और I'm sorry, मेरी वजह से ये सब हुआ। देखो तुम सॉरी मत बोलो, ये तुम्हारी गलती नहीं, तुमने तो मुझे हर बार आगाह किया, अगर मैंने तुम्हारी बात मानी होती तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। शराब के नशे में कुछ भी कर सकते हो। भाभी मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ जितना आप। समीर कोई
तो तुमने राहुल को किडनैप नहीं किया? नहीं किया सर। अच्छा, तो फिर राहुल को सही टाइम पर ट्यूशन से लेने तुम क्यों नहीं गए थे? सर वो बोलो। सर राहुल की ट्यूशन के वक्त मैं टिप्सी बार में था एक फाइनेंसर के साथ। सर इस प्रोजेक्ट में मैंने पूरी स्टडी की है, इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड सर हम एक साल में अपना सारा पैसा रिकवर कर सकते। यार राहुल को लेके आना था ट्यूशन से। हाँ भैया बस दो मिनट में पहुंच रहा हूँ, रास्ते में हो। सर वो मैं फाइनेंसर को कन्विंस करने के चक्कर में मुझे टाइम का पता नहीं चला और फिर भैया का फोन आया तो मैं राहुल की ट्यूशन पे भागा भागा गया। तब तक सर राहुल वहाँ से चला गया था। सर मुझे नहीं पता राहुल कहाँ है, मैंने कुछ नहीं किया सर। भाभी आप जिसकी कसम बोलो मैं उसकी कसम खाता हूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया भाभी। मुझे अपनी गलती समझ में आई थी इसलिए मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको बिना बताए फाइनेंसर से मिलने जा रहा था। उस बार की और उस फाइनेंसर की सारी डिटेल तुम मुझे दोगे? जी सर। हम आपकी कॉल मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे ही किडनैपर आपको फोन करेगा हमें उसकी लोकेशन का पता लग जाए, तब तुम ध्यान रखिए। थैंक यू सर। सर पीयूष को किडनैपर का जो रैंसम कॉल आया था वो इसी मोहल्ले के पीछे से आया था। और सर राहुल का ट्यूशन सेंटर भी इसी मोहल्ले, घर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर। सर मैंने आसपास सभी जगह देखा, कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। सर पता लगाना काफी मुश्किल है कि किडनैपर कौन था। इसका मतलब किडनैपर इसी मोहल्ले का है, तो ये भी हो सकता है कि राहुल भी यही करे। पीयूष आपके घर पर जो रैंसम के लिए कॉल आया था उसकी लोकेशन इसी मोहल्ले की है, तो ये भी हो सकता है कि राहुल और किडनैपर दोनों यहीं कहीं हों। इस मोहल्ले से अगर राहुल यहीं कहीं है तो मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। हाँ भाई चल हम चलते हैं। एक काम करो अपने हवालदार यहाँ शादी वर्दी में लगाओ। ठीक है सर। संगीता तुम रात भर से नहीं सोई, आखिर इस सोफे पे कब तक बैठी रहोगी? मेरी बात मानो, अंदर जाके थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा सो जाओ, भगवान पे भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा। अब तो भगवान पर भरोसा तभी होगा जब मेरा राहुल सही सलामत वापस आ जाएगा। तुम भी तो रात भर से नहीं सोए हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, कुछ खाओगे नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। मार दिया ना उसे। बॉडी कहाँ मिली? पीछे वाले गेट पर। संगीता ने गेट खोला और सिंह सर आसपास जरा अच्छे से देखो कुछ मिलता है क्या।
हमें बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना होगा। कोई जरूरत नहीं है पोस्टमार्टम करने की। बेचारे जीते जी बच्चे को तो आपने मार डाला, आप पोस्टमार्टम करके क्या उखाड़ लेंगे? पीछे हटिए और हमें हमारा काम करने दीजिए, समझे आप? अरे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं बॉडी को? देखिए प्लीज, आप हमें हमारा काम करने दीजिए प्लीज। क्या काम करेंगे आप? अगर ये सब कल करते ना तो आज राहुल जिंदा होता। लेकिन आपको उसकी पड़ी कहाँ थी? आप तो यहाँ मोहल्ले में तहकीकात करके अपना वक्त जाया कर रहे थे बस। वापस ला पाए आप राहुल को? नहीं ना, आप सिर्फ मासूमों को परेशान करना जानते हैं। आप क्या जानेंगे एक माँ के दिल का दर्द कलेजा फट जाता है जब अपनी औलाद को ऐसे देखना पड़ता है किसी माँ को। और आपको देखिए, आपके चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आई। देखिए प्लीज, आप इन्हें कंट्रोल कीजिए प्लीज। साहिदा शांत हो जाओ, तुम जानती हो जो कुछ भी हुआ उसे कोई नहीं रोक सकता था। चलिए मान लिया कि आप लोगों में बहुत भाईचारा, बहुत अच्छी बात। लेकिन फिर भी एक बात ये याद रखिए कि फिरौती का फोन इसी मोहल्ले से आया था। इसका मतलब कोई तो एक ऐसा जिससे आप लोगों को खतरा है। सर हो सकता है आपकी बात ठीक हो, अभी तो देख रहे ना इस मुसीबत में पूरा मोहल्ला हमारे साथ अभी भी खड़ा है, कैसे शक करें किसी पर? पीयूष याद करके बताइए कि जब से राहुल किडनैप हुआ तब से लेकर अब तक ऐसा कौन है जो यहां मौजूद नहीं है? सर इसका मतलब वो किडनैपर हो सकता है शायद। पीयूष अच्छे से याद करिए और बताइए कल से यहाँ कौन कौन गायब है। सर शिव अय्यर, अय्यर अंकल का बेटा, कल वो सुबह से ही गायब है सर। तुम्हें कैसे पता? सर मेरे पड़ोसी हैं, कल जब वो सुबह जा रहा था तो मैंने उसे जाते हुए देखा था। अच्छा बत्रा, कल रात को यहाँ कम्युनिटी की पूजा थी, वो बहुत पूजा पाठ करता है लेकिन कल वो पूजा में आए नहीं। मैंने पता किया तो पता चला कि उसे कोई अर्जेंट कॉल आया फिर वो चला गया। श्याम कपूर भी तो पूजा के बीच में से उठकर चला गया था ना। लेकिन वो तो दुबई में रहते, आते जाते रहते। सर गोपाल भी तो हो सकता है। गोपाल? सर कल सुबह ही वो छुट्टी लेके अपने गांव चला गया था। ये गोपाल कौन है पीयूष? काम करता है घर में सर, सर्वेंट है हमारा। मुझे बोला पिताजी की तबीयत खराब है मुझे जाने, तो मैंने जाने दिया। उसका एड्रेस पता कुछ? मेरे एक दोस्त के कहने पे मैंने उसे रख लिया था सर, मेरे पास एड्रेस नहीं है उसका। अच्छा मोबाइल नंबर कोई? रमेश अदर, या तो अपनी एक टीम तैयार करो और इन चारों सस्पेक्ट को ट्रैक करो, उनकी कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और इनकी लोकेशन भी पता करो। अजय, श्याम, शिव और गोपाल, हो सकता है कि राहुल के किडनैपर और कातिल इन्हीं चारों में से कोई एक हो। एक भीड़भाड़ वाले मोहल्ले से एक बच्चा गायब हुआ था, बच्चा जो उसी मोहल्ले का था। कोई उसके लिए चाचा था, कोई ताऊ था, कोई दादा था, फिर इन अपनों में से किसने उसको गायब किया था? अब तक की तहकीकात में चार नाम संदिग्ध के तौर पर सामने आए। घर के सर्वेंट गोपाल का फोन स्विच ऑफ आ रहा था, पुलिस ने उसका फोन भी सर्विलेंस पे डाल दिया था और उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने के लिए भी अर्जी दे दी थी। ये 13 तारीख के दिन इनमें से किसी ने आपके यहाँ से कॉल किया था क्या? नहीं सर, इनमें से तो कोई नहीं आया था। आपको पक्का यकीन है? पक्का सर। अच्छा ऐसा कोई आदमी जिसकी हरकत आपको सस्पिशियस लगी हो? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं। ठीक है, थैंक यू। श्याम कपूर, जिस दिन राहुल का किडनैप हुआ था उससे पिछली वाली रात, श्याम कपूर की तो दुबई की फ्लाइट थी, तो फिर ये राहुल को किडनैप कैसे कर सकता? और अजय बत्रा? सर इस अजय बत्रा के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है। सर अजय बत्रा और इसका दोस्त सोमेश, ये दोनों एक क्लब की मेंबरशिप के फ्रॉड में इन्वॉल्व थे। सोमेश उस दौरान इसके पैसे लेकर फरार हो गया। सर अजय बत्रा ने अपने दोस्त से तकरीबन 10-12 लाख रुपए उधार लिए थे एसयूवी कार खरीदने के लिए, और सर अभी इसके ऊपर तकरीबन 10-12 लाख रुपए वापस लौटाने का प्रेशर है। मतलब अजय पैसों को लेकर के किडनैपिंग कर सकता है? कर तो सकता है सर, हम इसकी फैमिली के कॉल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। सर जैसे ये कॉल करेगा हम इसे पकड़ लेंगे। यस डॉक्टर गर्ग। हेलो इंस्पेक्टर साहब, राहुल अग्रवाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो शायद आपके काम की हो सकती है। आप अगर यहाँ आ सके तो मैं आपको डिटेल में समझाऊँ। ठीक है, हम अभी आते हैं। राहुल की मौत दम घुटने से हुई है और किडनैपिंग के 2 से 4 घंटे के अंदर ही वो मर चुका था। शायद इसीलिए किडनैपर ने दोबारा रैनसम के लिए कॉल नहीं किया। हो सकता है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है।
राहुल के नाखूनों से हमें ब्लड और स्किन के सैंपल्स मिले। लगता है बच्चे ने मरने से पहले अपने आप को बचाने की काफी कोशिश की है। शायद इसीलिए उसे जान से मारते वक्त या उसे बांधते वक्त किलर के ब्लड और स्किन के ट्रेसेस बच्चे के नाखून में आ गए। इसका मतलब किडनैपर या मर्डर वो जो भी है उसकी बॉडी पे, खास करके चेहरे पे या हाथों पे या फिर गले पे खरोंच के निशान होंगे। जी बिल्कुल, और बल्कि ये निशान अभी ताजे होंगे। अगर ऐसा कोई सस्पेक्ट आपको मिलता है तो समझिए आपको आपका किलर मिल गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस के हाथ एक सुराग लगा था कि कातिल के हाथ, चेहरे और गले पर खरोंच के निशान हो सकते हैं। क्योंकि शक था कि अपहरणकर्ता कोई मोहल्ले वाला ही है तो सबकी जांच करना जरूरी था, पर मुश्किल ये थी कि मोहल्ला गुस्साई भीड़ का रूप ले चुका था, इसलिए सीधे तौर पर जांच नहीं की जा सकती थी। अब वो जो कोई भी था सर, हम लोगों ने तो अपना बच्चा खो दिया, हम आपकी अब क्या मदद कर सकते हैं? समीर, समीर, हाथ दिखाओ। संगीता संभाल लो अपने आप। पीयूष, हमें आपकी मदद चाहिए। सर, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आप अपने बच्चे तक को तो बचा नहीं सके। देखिए पीयूष, सारा मोहल्ला नाराज है, गुस्से में, हम उन्हें ऐसे चेक नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि राहुल की शोक सभा में जितने भी लोग आए हम उन पर पैनी नजर रखें। ठीक है। बाकी की संजीदगी को देखते हुए, ये जानते हुए भी कि राहुल की शोक सभा में पूरा मोहल्ला आएगा, पुलिस ने दूरी बनाए रखी, पर उनकी कड़ी निगाह हर आने जाने वाले पर थी। यहाँ तक कि संगीता और पीयूष भी आंखों में आंसू लिए अपने बेटे के कातिल को ढूंढ रहे थे। पुलिस और राहुल के माँ बाप दोनों को उम्मीद थी कि आज कातिल पकड़ा जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं और उन्हें हताशा ही हाथ लगी। कल ये यही था, पूरा घर इसके शैतानियों से गूंजता था, पर आज सन्नाटा है, बाहर ही नहीं मेरे अंदर भी। कान तरस गए हैं इसके मुंह से मां सुनने के लिए। आखिर लोग इतने हैवान क्यों हो जाते हैं कि मासूमों को मारते वक्त के हाथ भी नहीं कांपते? सर, दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। सर, शिव अय्यर, मोहल्ले वालों के हिसाब से अभी उसे वैष्णो देवी में होना चाहिए, लेकिन सर उसका फोन अभी दो दिन पहले नोएडा के सेक्टर 37 में ऑन हुआ था। और दूसरी इन्फॉर्मेशन? सर, गोपाल, हमने गोपाल के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर, इसमें से एक नंबर है जिसमें वो कंटिन्यूस बात कर रहा था। इस नंबर के बारे में इंक्वायरी निकाली है, पता चला ये उसकी बीवी का नंबर है। शिव अय्यर, पता करो ये शिव अय्यर का सिर्फ मोबाइल ही नोएडा में था या ये खुद भी नोएडा में? और ये गोपाल, इसकी बीवी से पूछताछ करो और इसके घर के बाहर सादी वर्दी में कांस्टेबल तैनात करो और इसका फोन सर्विलांस पर डालो। ठीक है सर। जी, गोपाल को बुलाओ, कुछ बात करनी है। वो तो दो दिन से घर पर नहीं आया। घर पे नहीं आया, फिर झूठ बोल रही हो। सर, झूठ क्यों बोलूंगी? बबली, कहाँ जा रही हो अकेले? तुझे कितनी बार बोला है कि अकेले बाहर मत निकला कर, चल घर में। क्या दिन आ गए, आजादी से बच्चे बाहर खेलने भी नहीं जा सकते। क्या करेंगे भाई, पिछले 6 महीने में इस मोहल्ले में दूसरे बच्चे की मौत है। राहुल का तो किडनैप हुआ है, पर जूनी, उसकी मौत अचानक से क्यों और कैसे हुई कुछ समझ में नहीं आया। कौन जूनी चाचा, क्या हुआ था उसे? वो जाहिदा और फिरोज की बेटी, 8 साल की बच्ची थी, 2 दिन से किसी को दिखाई नहीं दी, फिर पता चला बच्ची मर गई, कब्रिस्तान में दफना दिया उसे, बड़ी प्यारी बच्ची थी। पर चाचा, बच्ची की मौत कैसे हुई? क्या बताऊं बेटा, जाहिदा और फिरोज का तो ये कहना है कि वो टीवी पे कुछ देखा था और वैसा ही करने के लिए मुंह को पन्नी से बंद किया और खोल नहीं पाए और दम घुटने से मौत हो गई। पर क्या कहें, छोड़ो बेटा। बोला ना चाचा, पर क्या? पर किसी को भरोसा नहीं उनकी इस कहानी पे। राहुल का केस अभी सुलझा भी नहीं था कि पुलिस को एक और केस का सिरा हाथ लगा। पुलिस ने बिना किसी शिकायत के दर्ज हुए भी इस केस की तह तक जाने की ठानी। बेशक पूरा मोहल्ला पुलिस पर तमाम तरह की तोहमतें लगा रहा था, पर पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से चूकने को तैयार नहीं थी और राहुल ही नहीं, किसी भी पीड़ित को न्याय दिलाने को प्रतिबद्ध थी। सर, अगर आप उस दिन वाली बात के लिए आए हैं तो
जाहिदा की तरफ से मैंने आपसे माफी मांग ली थी, अगर आप चाहें तो मैं दोबारा आपसे माफी। की मौत कैसे हुई थी हम ये जानने आए, क्या हुआ था उस दिन? मेरी सोनी। सर सोनी बच्ची थी, उसने टीवी पे कोई प्रोग्राम देखा था शायद, और वही घर में अपने ऊपर ट्राई करने की कोशिश कर रही थी। उसने पॉलिथीन से अपना चेहरा ढक तो लिया था, लेकिन वक्त रहते उतार नहीं पाई, और फिर दम घुटने से उसकी मौत हो गई। उसका डेथ सर्टिफिकेट तो होगा आपके पास? जी आइए। सर जब ये वाकया हुआ तो हमने फौरन अपने फैमिली डॉक्टर को बुला लिया। क्या नाम है उनका? डॉक्टर अब्बास रिजवी। इंस्पेक्टर, बच्ची ने अपना सर पॉलीथीन में डाला था और नायलॉन के धागे से गर्दन में उसके इर्द गिर्द उसने बांध लिया था, शायद टाइम पर वो उसे खोल नहीं पाई, इसलिए दम घुटने से उसकी मौत हुई है, मैंने चेक किया था। आपके बताने के तरीके से तो ऐसा लग रहा है जैसे ये रोजमर्रा की कोई घटना हो। आपको नहीं लगता डॉक्टर कि ये आम बात नहीं है? हाँ ये आम बात नहीं है, लेकिन मैं इन्हें इनके अब्बा के टाइम से जानता हूँ, इसलिए मुझे कभी लगा ही नहीं कि इस हादसे को ये गलत शक्ल देने की कोशिश कर, इसलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। अब तो आपको तसल्ली हो गई ना सर? तसल्ली तो मुझे तब होगी जब मैं जूनी की बॉडी का फॉरेंसिक टेस्ट करा लूंगा। लेकिन उसको दफनाए हुए तो 6 महीने हो गए। मालूम है, लेकिन उसकी बॉडी को बाहर निकालना ही होगा। फिरोज की कहानी वाकई भरोसे लायक नहीं, सच क्या है ये भी फिलहाल कहना मुश्किल था। पुलिस ने सच जानने के लिए अपने शक के तहत 6 महीने पहले दफनाई जूनी की बॉडी को बाहर निकाला। वो मासूम जिसकी मौत उसके माँ बाप के लिए सिर्फ एक हादसा था, इस हादसे का सच जल्द सामने आने वाला था। क्या तुमने कंफर्म किया था? हाँ सर, इन तीनों सस्पेक्ट में से सिर्फ गोपाल को छोड़कर जिस दिन जूनी गायब, शिव अय्यर और अजय बत्रा 3 दिन तक शहर में नहीं थे, और तब तक दिखाई नहीं दिए जब तक जूनी के पेरेंट्स ने उसकी मौत के बारे में सबको नहीं बता दिया। इसका मतलब जूनी और राहुल के केस पे कोई ना कोई तो कनेक्शन है। सर, गाजियाबाद के एक होटल से अजय बत्रा ने अपनी फैमिली को कॉल किया है, उसकी लोकेशन ट्रेस हो चुकी है, उठाओ उसे। कौन है? सर रूम सर्विस, आपने जो खाना ऑर्डर किया था वो लेके आया हूं। पुलिस चलो। पर मैंने किया क्या? सब बताते हैं। अरे हाँ रमेश, क्या खबर है? जय हिंद सर। सर हमें खबर मिली है कि शिव ने नोएडा के सेक्टर 37 में एक फ्लैट खरीदने के लिए किसी प्राइवेट फाइनेंसर से लोन लिया था, जो कि उसकी जान के पीछे पड़ा है सर। सर उसे कुछ 5 लाख रुपए देने थे। मतलब शिव के पास भी मोटिव है राहुल को किडनैप करने का? सर मैंने गार्ड से कंफर्म किया तो उसने बताया कि शिव 2 दिन पहले यहां आया था। एक काम करो, फ्लैट में जाकर के फिर से चेक करो, और अगर वो अभी भी वहां हो तो उठा लो उसे। शिव अय्यर, पुलिस चलो। तो वैष्णो देवी जाने के नाम पे तू ये कुकर्म करता है? नहीं सर, मैं कोई कुकर्म नहीं करता है सर। जो नोएडा में लड़की है वो मेरा वाइफ है। अच्छा, तो तू दुनिया का पहला ऐसा आदमी है जो अपनी बीवी से छुप छुप के मिलता है? हा? सर वो मेरा मजबूरी है सर, मैं साउथ इंडियन है, मेरा फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन है सर। वो बोले कि मैं तमिलियन गर्ल को छोड़ के किसी और से शादी नहीं कर सकता, वो अलाउ नहीं करेंगे सर। पर अभी मैं कॉलेज में एक बिहार का लड़की बेला से बहुत प्यार करता, उसका फैमिली भी मेरे को बहुत पसंद करता था सर, तो मैं उससे छुप के शादी किया, उसको नोएडा में रखा है। मैं वो वैष्णो देवी का झूठ बोल के उनसे मिलने के लिए जाता था सर। तुमने राहुल को किडनैप क्यों किया? अपने घर के लोन का पैसा भरने के लिए? नहीं सर, मैं किसी को किडनैप नहीं किया। मेरे को मालूम मेरे को पैसा भरने का है, मैं अपना पीएफ पे लोन अप्लाई किया। जिस दिन राहुल का मर्डर हुआ तू कहाँ था उस दिन? मैं अपना वाइफ और बेबी के साथ नोएडा में। यादव इसके बयान को क्रॉस चेक करो और इसको यहीं बिठा के रखो। अजय का क्या हुआ? आई सर। सर मैंने कुछ नहीं किया, सब उस सुमेश ने किया सर। सर वही पैसा लेके भागा था। पता है हमें, उस केस में पुलिस सुमेश को ढूंढ रही है, तुम्हें नहीं। तुम सुमेश की वजह से नहीं छुपे हुए थे, तुम राहुल अग्रवाल के मर्डर की वजह से छुपे हुए थे। राहुल अग्रवाल? ये कौन है सर? राहुल अग्रवाल पीयूष अग्रवाल का बेटा, तेरे मोहल्ले में रहता है ना वो। सर उसके मर्डर से मेरा क्या लेना देना? मैं बताऊंगा या तू बताएगा? हाँ, तुमने नई एसयूवी गाड़ी खरीदी अपने दोस्तों से पैसा उधार लेकर के, और जब उन्होंने पैसा मांगा और तुम दे नहीं पाए तो तुमने राहुल को किडनैप कर लिया, फिर फिरौती मांगी और बाद में उसे मार दिया। ये बेवजह मुझे क्यों फंसाया जा रहा है? जब तक तू सच नहीं बोलता और ये केस सॉल्व नहीं होता तू यहीं सड़ेगा। यादव सर इसकी बॉडी को चेक करो, ये कहीं खरोंच के निशान तो नहीं है, और शिव के भी। ठीक है सर।
जूनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जूनी की मौत प्लास्टिक बैग के कारण दम घुटने से नहीं हुई थी, उसे मारा गया था, वो भी बड़ी बेरहमी से। उसका विंड पाइप जो ऑक्सीजन देता है फेफड़ों को, उसे बुरी तरह कुचल दिया गया था। क्या छिपा रहे हैं आप हमसे? साहिदा संभालो। अब सुकून मिला ना आपको? यही चाहते थे ना आप? मैंने कितनी मिन्नतें की थी हमसे कि चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं, उनको बताते हैं, लेकिन नहीं, आपको उस वक्त किडनैपर पे ज्यादा भरोसा था, पुलिस वालों पे नहीं। आप कहना क्या चाहती हैं? सर, आज से 6 महीने पहले तक मेरी सोच ऐसी नहीं थी। मैं जूनी से बहुत नफरत किया करता था, क्योंकि वो बेटी थी और मुझे बेटा चाहिए था। मैं बात बात पर उसको डांटता था, मारता था, बहुत डरती थी मुझसे। फिर अपनी मौत से एक दिन पहले वो स्कूल से आते वक्त गायब हो गई। साहिदा बहुत परेशान थी, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं। फिरोज, कुछ तो करो, हमारी बच्ची को कहीं से ढूंढ लाओ। रोज तो 6 बजे आ जाती है, आज 8:15 हो गए, अभी तक नहीं आई। छह या ना नहीं लौटी, कितना सुकून है घर में। तुम उसके अब्बू हो कि क्या हो? अपने बच्ची के बारे में कोई ऐसे बात करता है? मैं उसका कोई अब्बू अब्बू नहीं हूँ, और ना ही वो मेरी कुछ लगती है। फिरोज, तुम हेलो सुन, तेरी बेटी मेरे पास है, और अगर तेरी बेटी वापस आइए तो कल शाम तक 20 लाख रुपए तैयार रखना। क्या क्या बकवास कर रहा है? अगर तूने ऐसी बकवास की ना, तो मैं तेरी अबू, मुझे बचाओ अबू, मुझे अम्मी पास घर जाना है, अबू बचाओ मुझे अबू। सुनी, सुना अपनी बेटी की आवाज? कल फिर फोन करूंगा, और हाँ, तब तक पैसे तैयार हो जाने चाहिए। सुनी किडनैप हो गई? फिरोज, चलो पुलिस के पास चलते हैं जल्दी, चलो। चुप बैठ, तेरी बेटी की वजह से ना मुझे अपनी इज्जत का जुलूस नहीं निकलवाना पूरे मोहल्ले में। अरे लड़की की जात है, एक रात बाहर जाके रहेगी ना तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी ना। अब वो जहाँ है उसे वही रहने दे बस। तुम इंसान हो या जल्लाद हो? छोटी सी बच्ची है वो फिरोज, तुम प्लीज तुम चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। साहिदा, मैं उस मनहूस के लिए अपनी बदनामी नहीं कर पाऊंगा, और ये पुलिस में जाने की बात ना सोचना भी मत। तुझे तेरी बेटी चाहिए ना, तो ठीक है, मैं कल तक पैसे का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन पुलिस की बात मत करना। तुमने इतनी बड़ी रकम एक दिन में जुटाई कैसे? सर, 10 लाख मेरे पास थे, कुछ घर पर पड़े थे और कुछ दुकान पर, और बाकी के 10 लाख मैंने कुछ दोस्तों से उधार ले लिए थे। तुम काम क्या करते हो? सर, मेरी सरोजनी नगर मार्केट में कपड़े की 4 दुकानें, ज्यादातर धंधा कैश से ही होता है। और फिर अगले दिन किडनैपर का फोन आया, और उसने बताया कि पैसा कहाँ लेकर आना है। फिरोज, पैसे दिए हुए घंटों बीत गए, आधी रात हो गई है, पैसे देने के बाद अब कितने घंटे हो गए, अभी तक जूनी क्यों नहीं आई? फिरोज, आ जाएगी, ये लो, ये ले आ गई तेरी बेटी, मेरे 20 लाख का नुकसान करवा के। सोनी, सोनी, उस जानवर ने पैसे मिलने के बाद भी मेरी बेटी को मार डाला। मैं अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाना चाहती थी, मैं पुलिस के पास जाना चाहती थी, लेकिन फिरोज ने मुझे रोक लिया, क्योंकि इनको डर था कि जूनी के साथ इनकी बदसलूकियों के बारे में सबको पता चल जाएगा, और इसलिए इन्होंने वो पॉलिथीन वाली कहानी घड़ी और सबको सुना दी। और डॉक्टर रिजवी, उन्हें भी शक नहीं हुआ? सर, वो एक जमाने से हमारी फैमिली डॉक्टर, उनको मैंने जो बताया उन्होंने उस पर भरोसा कर लिया, और जूनी का डेथ सर्टिफिकेट बना कर दे दिया, और फिर मैंने फौरन ही जूनी को दफना दिया। साहिदा,
शायद मुझे माफ कर दो सर। जूनी और राहुल के केस में मॉडल सपोर्टी सेम, इसका मतलब ये दोनों काम कत्ल और किडनैपिंग एक ही आदमी ने की है जो उनके मोहल्ले का है, जो अभी तक हमारे हाथ नहीं लगा है। और अजय और शिव की बॉडी पर कहीं पर भी खरोंच के निशान नहीं है, तो कहीं ये काम गोपाल का तो नहीं है? हो सकता है सर। आखिर क्या हो गया है इस समाज को? इंसानियत तो जैसे बची ही नहीं। भगवान का रूप माने जाने वाले बच्चों को सिर्फ पैसों की भूख मिटाने के लिए शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन याद रखें, ऐसा करने वाले हम माओं की बद्दुआएं उन्हें कभी चैन से जीने नहीं देगी। क्या हुआ? चलो अभी बताते हैं। लेकिन अरे चलो अभी बताते हैं। हुआ क्या सर? ऐसे नहीं चलेगा सर, आपको बताना पड़ेगा। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। सबको आप शांत करते रहिए। 5 दिन हो गए मेरे बेटे का मर्डर हुए। क्या किया आपकी पुलिस ने? सिर्फ बातें बना रहे हैं आप। आखिर कब तक मिलेगा मेरे बेटे का कातिल? तहकीकात के नाम पे सिर्फ आप लोगों को परेशान करते हैं। आपका बेटा जाता ना तो आपको पता चलता। पूछताछ कर रहे हैं ना आप, समझिए अच्छे से। पूछताछ कर रहे हैं, कुछ नहीं होना यहाँ। चलो यहाँ से। अब तो कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट देना ही होगा, वरना ये लोग शांत नहीं होंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। हम जल्दी कातिल को पकड़ लेंगे। हमारे पास 3 सस्पेक्ट हैं, पूछताछ जारी है। हमारी मेहनत कामयाब होने वाली। एक्सक्यूज मी साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे जाने दीजिए। उस दिन सुबह तो मैं गांव चला गया था साहब, मैं कैसे राहुल बाबा को मार सकता हूँ? तूने झूठ बोला था ना कि तेरे बाप की तबीयत खराब है? वो इसीलिए साहब, अगर सच बोलता तो वो लोग छुट्टी नहीं देते। बेगम से क्यों मान रखा है तूने? वो तो साहब बस चल। कॉल क्या छुपा रहा है? कुछ नहीं। खड़ा। कुछ खड़ा। कुछ नहीं साहब। देखा ये तो तेरे तो खरोच का निशान है। ये खरोच तुझे राहुल ने मारे थे ना, जब तू उसका खून कर रहा था? नहीं नहीं साहब। बोल। नहीं नहीं साहब। तेरा खून और खाल राहुल के नाखून में मिले हैं, अब सच सच बोल दे, नहीं तो डीएनए टेस्ट सच बोलेगा। बोल बोल सब। हम कहीं भी नहीं गए थे साहब, हम दिल्ली में ही थे। राहुल बाबा को हमने ही पैसों के लिए उठाया था साहब। हम मौके की तलाश में थे और जब राहुल बाबा उस दिन ट्यूशन से निकले तो उनको मैंने उस गली से उठा लिया था। वहां तो सिर्फ एक ही चॉकलेट था, अंदर बहुत सारी चॉकलेट है बेटा। आओ बेटा आओ। अभी मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट लेके आता हूँ, ठीक है? मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही, डर लग रहा, घर चलो ना। बेटा, अंकल के होते डर क्यों रहे हो? मैं हूँ ना। नहीं मुझे नहीं चाहिए चॉकलेट। नहीं चाहिए मुझे। नहीं अंकल। नहीं चाहिए मुझे। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। जब मैं पीयूष साहब को फोन करके आया, देखा तो राहुल बाबा मर चुके थे। मैं बहुत डर गया था साहब, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब तो मैं दोबारा पीयूष साहब को पैसों के लिए फोन भी नहीं कर सकता था। सारी रात ये सोच के निकाली कि अब मैं क्या करूं। फिर मैं राहुल बाबा की बॉडी घर के पिछले दरवाजे पे छोड़ के गाँव भाग गया साहब। मैंने सोचा सबको लगेगा मैं तो गाँव में था और किसी को मुझ पे शक भी नहीं होगा साहब। मैं कसम खा के कहता हूँ साहब, मैं राहुल बाबा को मारना नहीं चाहता था साहब। और जूनी को भी तूने ही मारा था ना? नहीं साहब, जूनी को मैंने नहीं मारा, मैं सच बोल रहा हूँ।
क्या हुआ सर? सर अब तो गोपाल ने भी बयान दे दिया है, केस सॉल्व हो चुका है, बट आप टेंशन में क्यों है? नहीं यादव, रैंसम के लिए अगर कॉल गोपाल ने किया था तो फिर पीसीओ वाले ने उसे पहचाना क्यों नहीं, जबकि वो उसी मोहल्ले का है? नहीं साहब, इनमें से तो कोई नहीं आया था। उसे तो गोपाल को आराम से पहचान लेना चाहिए था। शायद गोपाल किसी को बचाने की कोशिश कर रहा, पर किसे? हट हट मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूंगा साहब? तू ऐसे नहीं मानेगा। यादव एक काम करो, इसे गांव महेंद्रगढ़ जाओ और वहां खाप पंचायत को बता दो कि इसकी बीवी और बच्चा दिल्ली में कहां रहते। गांव वो नहीं जा सकते सर। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक गोत्र के हैं और हमने भाग की शादी की है, पर एक गोत्र में शादी करना खाप पंचायत के हिसाब से पाप है। वो गांव गए तो वो लोग उन्हें मार देंगे। फिर वो उसके साथ जो कुछ भी करेंगे ना, उसका जिम्मेदार तो खुद होगा। ठीक है सर। रुकिए साहब, अगर आप ऐसा करेंगे तो वो मेरे बीवी बच्चों को मार देंगे साहब। ठीक है, नहीं करेंगे। तू सच सच बता, किसे बचा रहा है? एक मिनट सर। सर आपने कहा था कि आपके पास तीन तीन सस्पेक्ट थे, तो इसका क्या किया आपने? और राहुल को किसने मारा? बताता हूँ, जब तक आप बता नहीं देते तब तक आप यहाँ से नहीं जा सकते। वही बताने आया हूँ, शिव और अजय निर्दोष हैं। तो क्या इसका मतलब गोपाल ने राहुल को? सिर्फ गोपाल ने ही नहीं, इसमें कोई और भी शामिल है और हम उसी को अरेस्ट करने यहाँ आए हैं। और हाँ एक बात और, जूनी का भी कातिल वही है और वो आप लोगों में से ही एक है। पकड़े से तूने मेरी बच्ची को मारा, तूने मारा मेरी सोनी को, क्यों मारा? बुढ़िया क्यों मारा मेरी बच्ची को? क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? मेरी मासूम बच्ची को क्या बिगाड़ा था तेरा? क्यों मारा मेरी सोनी को तूने? को मैं नहीं मारा था सर। और राहुल को? राहुल को भी किडनैप करने में मेरा ही आता सर। क्यों क्या ये सब? हाँ, वो तो किडनैपिंग और मर्डर। क्यों क्या? गर्लफ्रेंड के लिए साहब, उस पे खर्चा करने के लिए, नहीं तो मुझे छोड़ देती साहब। 6 महीने पहले मैंने सोनी का किडनैप किया था। सुना अपनी बेटी की आवाज, कल शाम तक पैसे तैयार हो जाने चाहिए। और मुझे 20 लाख रुपए मिल गए, पर मैं साहब जूनी को जिंदा नहीं छोड़ सकता था क्योंकि मुझे वो पहचानती थी, इसलिए मैंने उसे मारकर उसके घर पे फेंक दी। 20 लाख रुपए सर कुछ ज्यादा दिन तक नहीं चले, 7 लाख रुपए का कर्ज भी चुकाना था। फिर एक दिन वो बेवड़ा समीर पीकर बड़बड़ा रहा था साहब। साला बिजनेस पापा ने शुरू किया, मेरा भाई उस पर कब्जा करके बैठा, मेरा भी उसमें बराबर का हिस्सा है। तुझे पता है मेरे भाई के पास लाखों रुपए हैं, घर पे ऐसे पड़े रहते। तभी मैंने प्लान बनाया कि राहुल को मैं किडनैप करूंगा और सारा शक समीर पे जाएगा और वो गोपाल को मैं अपने साथ मिलाया। धमकी देगा कि तू उसके गांव जाएगा और खाप पंचायत को बता देगा कि उसकी बीवी और बच्चा दिल्ली में रहते हैं, और वो डर जाएगा क्योंकि उसने अपने ही गोत्र की लड़की से शादी की थी। इसी कमजोरी का तो मैंने साफ फायदा उठाया और वो गोपाल अपनी फैमिली समेत मरने के बजाय जेल चूस की। उसको मैंने पैसे की भी लालच दी साहब, बोला कि मैं पहली बार नहीं कर रहा हूं, बहुत बार कर चुका हूं, कोई रिस्क नहीं है। पर नहीं। फिर तूने गोपाल से किडनैपिंग करवाई, पर पासा पलट गया जब राहुल मर गया। उसी बेवकूफ की वजह से तो सब गड़बड़ हो गया और उल्टा गोपाल मेरे पास आ गया कि राहुल मर गया, अब क्या करें? मैंने बोला कि तू कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जा, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। और वो चला गया साहब। फिर मैंने राहुल की बॉडी उसके घर के पीछे फेंक दी। पुलिस को बेवकूफ समझता है?
राहुल और जोनी को इंसाफ तो मिला, गोपाल और विक्की को उनके किए की सजा भी मिली, जिंदगी अपने ढर्रे पर वापस आ गई, लेकिन अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। जिस मोहल्ले में लोग एक दूसरे पर आंख बंद करके विश्वास किया करते थे, अब वही लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। राहुल और जूनी दोस्त थे, एक साथ खेलते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, उनके सामने उनका पूरा भविष्य था। मेरी हर माँ बाप से विनती है कि वो समाज के सुधरने का इंतजार ना करें। समाज को जब सुधरना होगा वो सुधरेगा, फिलहाल हमें अपने बच्चों की सुरक्षा का ख्याल खुद रखना होगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.